नागपुर के एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत बाजार चौक जंगूरा भाटा के पास पिस्टल रखकर आने जाने वाले को पिस्टल दिखाकर डरा धमका रहे अंचित दुबे उर्फ कल्लू को पकड़कर उसके पास से पिस्टल जब्त करने में सफलता पाई है। जसपुर में सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले निमगांव से 30 की संख्या में ग्रामीण एक ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर जसपुर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान दरिया मोड़ पर चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार 25 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिला पुरुष सहित बच्चे भी शामिल हैं। महासमुंद में थाना खल्लारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तमोरा में 25 सितंबर को हुए रामकुमार दीवान की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जांच में पाया गया कि मृतक रामकुमार की पत्नी भुवनेश्वरी दीवान की उसकी हत्या की मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर गुढ़ियारी में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से वार कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को गुढ़ियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया तालाब के पास मोहन साहू की हत्या हुई थी। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने मोहन साहू द्वारा थूक चटवाने के नाम पर आरोपियों ने मृतक की हत्या की थी। बिलासपुर की आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीम ने हीराकुंड एक्सप्रेस के 2 आरोपियों विनय सिंह, उपेंद्र सिंह के पिट्टू बैग व ट्राली बैग से 30 बोतल ब्रांडेड शराब जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,75,000 रुपए आकी गई है। बिलासपुर शहर के भीड़भाड़ वाले दयालबंद में मुख्य सड़क पर बिजली ऑफिस के एटीपी सेंटर में सोमवार शाम 4 नकाबपोश लुटेरे पहुंचे, जिन्होंने ऑपरेटर पर कोई नशीली दवा छिड़क कर उसे बेहोश कर दिया। एक नकाबपोश लुटेरे के पास चाकू था, जो दूसरा बंदूक निकालने की धमकी दे रहा था। ऑपरेटर को बेहोश कर उसके पास मौजूद 13,33,000 रुपए की रकम लूट कर लुटेरे भाग गए। बिलासपुर की एसीसीयू की टीम ने मुखबिर की सूचना पर जरा भाटा में नजरी दवा बेचने वाले निगरानी शुदा बदमाश बंटी गहरवार के गोदाम में छापा मारकर 1700 नशीले इंजेक्शन का एम्पुल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर जिले के एसीसीएल के कुंदा सिविल ऑफिस परिसर में ड्यूटी में तैनात सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर पुराना पानी सप्लाई लाइन का पाइप चोरी करने के मामले में इस्लामपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का 13 नग पाइप समेत वारदात में प्रयुक्त सामान बरामद किया है। चर्चा गैलरी के RO D1 और D2 पॉइंट के बीच कबाड़ और कोयला चोरी करने घुसे चोरों के गिरोह द्वारा एसीसीएल अधिकारी समेत सुरक्षा में तैनात कर्मियों पर पत्थर और लाठी से हमला करने वाले 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महुआ आटीकरा में एक ग्रामीण ने अपनी 2 पत्नियों के साथ मिलकर घर आई अपनी बुआ की जमीन बंटवारे के विवाद पर पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल मुन्नी बाई की अस्पताल में मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी राम भजन निषाद व उसकी 2 पत्नियों चंद्रमणि व सोनामती को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ की खसकिया थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग लड़की से गंदी हरकत की थी। बताया जा रहा है लड़की अपने परिचितों के यहाँ घूमने आई थी, तभी युवक ने लड़की से छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर बिलासपुर एनएच पर सोमवार की दोपहर बाइक सवार 11 वर्षीय बालक व एक अधेड़ को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अधेड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में दम तोड़ दिया। शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के बाद गोवा में मौज मस्ती करने वाले ठग विपिन अग्रवाल को रायपुर सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 11,50,000 रुपए की ठगी की थी। शांति नगर निवासी सुरेंद्र पाल ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जांजगीर चांपा में बैंक से राशि निकालकर उसे स्कॉर्पियो वाहन में रखने के बाद चालक लिंक रोड जांजगीर के बर्तन दुकान में सामान खरीद रहा था। इस दौरान दो युवक बाइक से आए और दिन दहाड़े स्कॉर्पियो का शीशा तोड़कर उसमें रखे रकम को निकालने का प्रयास किया, मगर वे असफल हो गए। शीशा टूटने की आवाज पर वाहन चालक तुरंत गाड़ी के पास पहुँचा, युवक फरार हो गए। जसपुर जिले के कोतवा पुलिस चौकी क्षेत्र में ग्राम रामझोल में जमीन विवाद पर एक ग्रामीण की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई और बीच बचाव करने पहुंची उसकी बेटी को भी बुरी तरह से पीटा गया। घटना में नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है, इसे उपचार के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बलौदा बाजार भाटापारा जिले की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले शराब कोचियों को पकड़कर शराब कोचियों से कुल 19,630 रुपए कीमत का 167 पाव देसी मसाला शराब जब्त किया गया है। साथ ही शराब परिवहन में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। सोमवार की रात करीब 9:30 बजे बाइक सवार युवक को सुपेला स्थित आदर्श पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार डंपर के चालक ने लापरवाही पूर्वक डंपर चलाते हुए कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शव को शासकीय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। तक सिनाक हो पाई है।